हेलो भाई, आपका स्वागत है वक्त ब्लॉग में। और आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर के, जिसमें कि हम आज आपको मैं दिखाऊंगा मैंने न्यू फ़ोन परचेज किया है। जिन लोगों का बजट है 12-14 हज़ार के बीच में, वो मोबाइल को परचेज कर सकते हैं। तो अभी क्या था कि मैंने अभी लॉन्च हुआ था मार्च में मोटो G60 हुआ था। अभी मैंने मोबाइल परचेज किया है क्योंकि वो ऑफर में चल रहा है, बिग बिलियन डेज आ गया है फ्लिपकार्ट पर। तो आज मैंने परचेज किया है मोबाइल सिर्फ 14,499 रुपये में। और आज मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल की अनबॉक्सिंग, तो बने रहिए दोस्तों। आज आप हमारे साथ दिखाता हूँ मैं आपको मोबाइल। ये आ चुका है हमारा मोबाइल, और जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और इसकी प्राइस बनी है सिर्फ 14,499 रुपये। क्योंकि अभी क्या जो फ्लिपकार्ट 15,999 रुपये है, तो उस पर अगर आप लोग ICICI या फिर एक्सिस बैंक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड लगा सकते हैं, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो आइए मोबाइल को दिखाते हैं। और ये रहा हमारा मोबाइल मोटो G60, और ये रहा हमारा मोबाइल मोटो G60। ये है हमारा मोबाइल मोटो G60, और ये फ़ोन काफ़ी हैंडी भी है, लेकिन वेट ज़्यादा है मोबाइल के अंदर। तो चलिए मोबाइल को दिखाते हैं। ये रहा मोटो का G60, देखिए एकदम गॉर्जियस लुक है इसका। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, फ्रंट 32 मेगापिक्सल का। और आपको स्पेसिफिकेशन वीडियो में लेकर के आऊँगा एक नई, उसमें आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या क्वालिटीज़ है इसकी, और क्या रिव्यू देंगे हम इसको यूज़ करने के बाद। इसको हमें यहाँ पर हमें दिया है एक, इन्होंने ट्रांसपेरेंट कवर दिया हुआ है, ये वहीं से चढ़ा हुआ है। और ये हमारा मोबाइल, तो चलिए इस मोबाइल को हम करते हैं ओपन। देखिए गाइस, बिग डिस्प्ले के साथ दिया है मोटो G60 ने, पहली बार ऐसे लॉन्च किया है मोटो ने अपना मोबाइल। और इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे अभी क्या क्या है इसके अंदर, चार्जर्स वगैरह हैं। अभी देखिए ये इंटरफेस आ चुका है, अभी हम इसको हम प्ले करते हैं। तो देखिए गाइस, इसके अंदर दिया हुआ है हमें मोबाइल के लिए फास्ट चार्जिंग टाइप केबल है, चार्जिंग केबल है, और इसमें हमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है इसमें, तो गाइस सिर्फ मोटो दे रहा है इसमें दो ही चीज़ें दे रहा है, एक तो मोबाइल दे रहा है आपको, और दूसरा दे रहा है इसका चार्जर। बाकी इसमें तीसरी चीज़ आपको कुछ भी नहीं मिली है इसमें, ना ही इसमें बुक जो होती है, बुकलेट होती है जो गाइड करती है, वो भी नहीं है इसके अंदर, ना ही इसके अंदर इंजेक्शन पिन है। तो इसमें देखते हैं अभी कैसे जो हम इसमें सिम लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस बने रहिए आप हमारे साथ, हम दिखाते हैं मोबाइल का पूरा इंटरफेस। जा रहे हैं सिम इजेक्ट करने जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हमें इसमें इंजेक्शन पिन नहीं मिली थी, अलग से हम इंजेक्शन पिन लेकर के आए हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें सिम डालेंगे, दिखाते हैं स्लॉट कैसा, हाइब्रिड स्लॉट है या फिर इसमें अलग अलग स्लॉट दिया हुआ है। तो निकली पहली सिम गाइस, अगर इस फ़ोन को मैं दे के, अगर मुझे फ़ोन मिलता, अगर मैं ये वाला मोबाइल सेल कर देता 6 से, तो मुझे 11,000 रुपये में मिल रहा था ये वाला मोबाइल, और अब मिला है 14,499 रुपये में। बस ये मेरे साथ अच्छे बैठा हुआ। अगर आपको मेरा फ़ोन लेना है भाई, सबसे बड़ी कमी इसमें यह है, इसमें हाइब्रिड स्लॉट दिया है, या तो इसमें आप एक सिम लगा लो या फिर एक मेमोरी कार्ड लगा लो। और अगर आपको सिम इसमें दोनों लगानी, तो एक सिम इधर लगाओ आप, ठीक है, सिम वन ये है, एक सिम इधर लगेगी, इस तरह की इसमें सिम आप इजेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, और आज लग चुकी है नए फ़ोन में, ठीक है। और टावर आने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और देखिए गाइस, इसके हम फीचर्स आपको बताएंगे बाद में एक नई वीडियो के साथ, आते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, चालू हो चुकी है, इंटरनेट आ चुका है, मेरा वोल्ट लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर, इधर देखें, ठीक है, टावर भी आ गए हैं दोनों में। तो अब हम आते हैं आपको दिखाते हैं इसके फीचर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बताएंगे आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फोन भी आ गया।